पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा दिन इसकी रिपोर्टों के साथ क्रिक बूम में दहसान कुरैशी के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज हमने नेशनल स्टेडियम कराची में जो कुछ देखा उसका यकीन नहीं आ रहा। दो मैच हुए लेकिन दोनों मैच बिल्कुल कंट्रास्टिंग बरक्स एक दूसरे के। पहले मैच में जनाब 400 से ज्यादा रन बने और दूसरे मैच में 225 रन भी नहीं बन सके। ये है T20 क्रिकेट का कमाल। आज जनाब लाहौर कलंदर ने जिस तरह अपना जादू जगाया और जिस तरह फखर जमान ने बैटिंग की, लगता था 206 रन का टारगेट जो है ना किसी सूरत में भी मुल्तान सुल्तान नहीं उबूर कर पाएगी। लेकिन आज उन्होंने तारीख रकम कर दी जनाब। किसने? मोहम्मद रिजवान, जिनका तूती बोल रहा है पूरी दुनिया में, रिजवान तुम कहां हो। लेकिन क्या स्टार्ट दिया और किस तरह शिकस्त दी है, शशदर रह गए लोग, देखते रह गए। और मैंने अपनी नजरों से देखा आतिफ राणा, समीन राणा सब परेशान थे, चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। 206 रन जब उन्होंने किए थे तो ऐसा लग रहा था कि जनाब जीत उनके हिस्से में आएगी। लेकिन इससे पहले कि इस दोनों मैचों की रिपोर्ट मैं आपको पेश करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है जनाब कि हमारे YouTube चैनल क्रिक बूम विद अहसान कुरैशी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको आगे बढ़ाएं। देखें पूरा दिन हम जो है ना खज्जल ख्वारी करके आते हैं, आपको पता ही है कि इतना आसान नहीं है। ठीक है हमारा एक एक्रेडिशन कार्ड ये बना हुआ है, इसके जरिए हम अंदर जाते हैं, लेकिन सहूलतें भी हैं, लेकिन हमें भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिससे तमाशाइयों से गुजरना पड़ता है। बैग चेक कराने पड़ते हैं, जामे तलाशी देनी पड़ती है, और इसके अलावा जो तमाम मामले कार्ड चेक किए जाते हैं बार बार। और फिर कोरोना के लिए आपके मुंह पर मास्क हर वक्त होना ज़रूरी है जब तक आप स्टेडियम के अंदर दाखिल ना हो जाए। अंदर दाखिल होने के बाद आप थोड़ा सा इसमें लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ भी सख्ती बहुत है। तो आपसे दरख्वास्त है एक बार फिर तो हमारे YouTube चैनल क्रिक बूम विद अहसान कुरैशी को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स भी दें। और रिपोर्टिंग हम आपके लिए कर रहे हैं। दो मैच जनाब आज नेशनल स्टेडियम में हुए। एक मैच जनाब मुंह से छीन लिया कल, जैसे पेशावर जलमी ने छीना था जनाब वो मैच, बहुत ज़बरदस्त मैच था जिस तरह उन्होंने ये मुंह से छीना था, और उसकी बाशगज आज भी सुनाई दे रही है जिस तरह ज़बरदस्त विल स्मिथ ने, हालांकि 97 रन बनाए थे, टीम उनकी हार गई थी। लेकिन आज जनाब फखर जमान ने बड़ी शानदार बैटिंग की, 206 रन बना लिए जनाब उन्होंने, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन उसको जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने चेज़ किया वो भी जनाब देखने से ताल्लुक रखता था। शान मसूद जो पाकिस्तान टीम से बाहर है, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत शानदार इनिंग्स खेली, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। और जो पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने जनाब छठी बड़ी पार्टनरशिप जो है ना आज ओपनिंग पार्टनरशिप मोहम्मद रिजवान के साथ, मोहम्मद रिजवान जनाब ऐसा लगता है कि उनके बल्ला जो है ना रन उमड़ रहा है, रन उगल रहा है जनाब, क्या वो खिलाड़ी हैं। आज 150 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की, ये 15वें ओवर में उन्होंने जनाब मुकम्मल की, हालांकि 3 गेंदें अभी बाकी थी 15वें ओवर की जब उन्होंने 150 रन की ये पार्टनरशिप की। और ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है ना किसी तरह भी, लेकिन जब ये पार्टनरशिप हो और जब रिजवान खड़े हो जाए और उसके साथ शान मसूद खड़े हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये मैच जो है ना जिस तरह जीता है आज लोग हैरान और परेशान रह गए। कल जो मैच हुआ था बिल्कुल वैसा ही मैच था ये जो आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ। जिस तरह कल जो है वो पेशावर जलमी ने क्वेटा ग्लेडिएटर से वो मैच छीना था हुसैन तलत और शोएब मलिक की वजह से, आज ये मैच छीना जनाब शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने। वाकई काबले कदर बैटिंग का मुजाहरा किया, थोड़ा सा झटका बीच में लगा था लेकिन वो रिकवर कर गए और उसके बाद उन्होंने बड़ी आसानी के साथ ये मैच जीता और अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की। यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग और बॉलिंग है वाकई उसको दाद देने की, ये ज़रूर है कि आज उनकी बॉलिंग वैसी नहीं थी, 200 रन बन गए, लेकिन बहुत पहली बार किसी टीम ने 206 रन के हदफ को अचीव किया है। ये PSL में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा हदफ जो है वो उरबूर किया जनाब मुल्तान सुल्तान ने। तो मुबारकबाद मोहम्मद रिजवान को, शान मसूद को, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूसरी जीत के साथ। आज हमने जनाब जब हम स्टेडियम पहुंचे थे तो हमने देखा जनाब कि पेशावर जलमी की टीम जो कि कल मैच के खेल के गई थी, आप अंदाज़ा लगाएं कल रात को मैच खेल के गई थी, स्टेडियम में मौजूद थी। और उसके साथ साथ जो है वो दूसरी टीम कौन सी थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड आज प्रैक्टिस कर रहे थे।
तो उस प्रैक्टिस से पहले हमने नेशनल स्टेडियम में एक रिपोर्ट रिकॉर्ड की थी जो हम आपको सुनवाते हैं। उस वक्त जो है ना अंदर मैच जो है ना लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान शुरू हो चुका है, तो हम आपकी खिदमत में वो रिपोर्ट पेश करते हैं, उसको आप इंजॉय करें, थोड़ा सा आप झलकियाँ देखें। इस्लामा यूनाइटेड जो दो मरतबा की चैम्पियन है, जो अपना कल पहला मैच खेलेगी 3 दिन के आराम के बाद, तो उसकी रिपोर्ट आप देखिए। तो नेशनल स्टेडियम में आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम और पेशावर जलमी की टीम जो है इस वक्त प्रैक्टिस में मसरूफ़ है। और ये इस्लामाबाद जलमी आप अंदाज़ा लगाएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि दो मरतबा की चैंपियन है जनाब, वो अपना पहला मैच मैच के टूर्नामेंट के चौथे दिन खेलेगी, 3 दिन आराम किया है, समझ नहीं आया कुछ मुझे। ये आइटनरी थी जो बनाई थी इन्होंने, बड़ा मेरा ख्याल है अजीब व गरीब लग रहा है। अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। और उनके साथ हैं जनाब पेशावर जलमी, देखें पेशावर जलमी हालांकि कल रात को मैच खेल के गई, मैच जीत के गई, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और ये एनर्जी जो होती है ना, ये टीमों को आगे लेके जाती है। ऐसा लग रहा था कि पेशावर जलमी इतना अच्छा नहीं खेलेगी, लेकिन कल उन्होंने अपना जो जादू जगाया, जो अपना तूफान उन्होंने यहाँ बचाया शोएब मलिक के जरिए। हाँ, शुरू में मैं आपको बताना भूल गया, यासिर अली जो एक नए खिलाड़ी है, उन्होंने 12 गेंदों पर 30 रन बनाए थे, बड़ा अच्छा स्टार्ट फॉर्म किया था, 77 पे 3 आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद इतनी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया शोएब मलिक और हुसैन तलता। लेकिन इससे पहले जो एहसान अली मेरे हमनाम जो थे और उसके साथ जो विल स्मिथ थे, उन्होंने अपनी टीम को जो ओपनिंग स्टैंड फ्राहम किया 155 रन का, जो सबसे बड़ा ओपनिंग स्टैंड है कोटा ग्लेडिएटर के लिए। लेकिन बहरहाल जादू उन्होंने बड़ा जमाया, बड़ा रंग जमाया। और आज जो है वो ये दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में जनाब बड़े बड़े बिग हिटर्स हैं, एलेक्स हेल्स हों या आसिफ अली हों, खुद शादाब खान हों, ये वो हैं, टीम बड़ी मजबूत है। लेकिन जो मोमेंटम कल पेशावर जलमी ने सेट किया है अपने खिलाड़ियों के ना होने के बावजूद भी, उसे हम मुद्दतों ध्यान रखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का भी स्टार्ट हुआ है, पहला मरहला कराची में हो रहा है, दूसरा मरहला जो है लाहौर में जाएगा, फाइनल भी वहीं होगा, लोग देखेंगे। लेकिन असल जो बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा डामाडोल था इसको कराने के लिए ओमिक्रॉन की वजह से, लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेंड सेटर है, अगर ये टूर्नामेंट ऊपर नीचे हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है या ना होती। और यहीं पे इस टूर्नामेंट के बाद जो है लाहौर में मरहला जो हो गया, उसके बाद यह ऑस्ट्रेलिया की टीम 25 बाल पाकिस्तान में कदम रखेगी। अब देखते हैं कि उनके कदम रंजा कैसे रहते हैं, वो पहुंच पाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, जो दाद देना चाहता हूँ हमारे सिक्योरिटी अदारे, ये ज़रूर है कि मुझे जब टीम आती है और जाती है हमें बड़ी सोबतों का सामना करना पड़ता है। कल भी हम 25 मिनट स्टेडियम में बैठे रहे क्योंकि टीम ने जाना होता, बहुत बड़ा एक जनाब कॉन्वॉय जाता है जिसमें आप समझते हैं कि दर्जनों के हिसाब से मतलब 40-50 गाड़ियाँ जो है सिक्योरिटी की होती हैं, बाद मुझे अजीब लगता है, लेकिन बहरहाल प्रोटोकॉल से मानू कर रहा है। तो आज इस रिपोर्ट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नेशनल स्टेडियम से। आपने रिपोर्ट देखी जनाब नेशनल स्टेडियम से, हमने ये प्रैक्टिस सेशन की रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड की पेशावर जलमी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आज कोयटा ग्लेडिएटर की जीत में कराची किंग्स के खिलाफ नसीम शाह का बड़ा रोल था, टीनएज फास्ट बॉलर हैं, इससे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से हैट्रिक भी कर सके, आजकल टीम से बाहर हैं। और लेकिन बहरहाल उन्होंने आज बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की और 5 विकेटें हासिल की, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है खासतौर पर T20 क्रिकेट में। और सिर्फ जनाब एक मामूली स्कोर 125 रन करने में कामयाब हुई जनाब, 124 का स्कोर था कराची किंग्स का। बड़े बड़े नाम है जनाब उसमें, बाबर आजम भी और शर्जील खान भी, इमाद वसीम थोड़ा सा अच्छे खेले, बाबर आजम ने थोड़ा सा खेले, लेकिन मुझे आज भी बाबर आजम जो है ना वो जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए। और शर्जील खान को भी तो मैं जब देखता हूँ, पता नहीं अब उनकी क्रिकेट कितनी है, उनका वजन मुझे बहुत लग गया है, उनकी एक दो तस्वीरें भी आज हम डालेंगे आप देखिएगा। लेकिन बहरहाल नसीम शाह को हमें क्रेडिट जाना चाहिए, और नदीम उमर उनकी फैमिली उनके फैंस जो थे ना वो हमारे से आगे गैलरी में बैठे हुए थे, आज बहुत उन्होंने सेलिब्रेट किया। कल उनके लिए बड़ा गम व अलम का दिन था जब उनकी टीम जो है वो जीता हुआ मैच हार गई थी, लेकिन आज बिलाखिर कोयटा ग्लेडिएटर ने जो पिछले साल आखिरी नंबर पर ही थी पहली अपनी जीत हासिल की, एक अच्छा था मेरा ख्याल है। सरफाज भी हैं जो थोड़ा सा वो उनको थोड़ा सुकून मिला होगा, हालांकि मैच के दौरान उनको बेसुकूनी नज़र आ रही थी, जब छक्का या चौका लगता था या कैच छूट जाता था वो काफ़ी परेशान दिखाई देते थे। मेरा ख्याल है सरफराज पाकिस्तान के 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तान हैं, एक मेच्योर कप्तान को उनको नज़र आना चाहिए हमें, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़े परेशान हो जाते हैं और वही
लेकिन आज उनके बावजूद के वो थोड़े से परेशान हुए लेकिन बड़ी आसानी के साथ जिता दिया। और उसके बाद जनाब स्मिथ ने भी आज अच्छा स्टार्ट दिया था, विल स्मिथ जिन्होंने पहले मैच में जनाब 97 रन बनाए थे, और एहसान अली और विल स्मिथ के दरमियान एक और अच्छी पार्टनरशिप हुई। लेकिन आज के नसीम शाह के अलावा जो हीरो थे वो एहसान अली थे, उन्होंने भी आज खूबसूरत बैटिंग की। एक बार फिर बैक टू बैक 50 जो रन होते हैं ना वो बड़े आउटस्टे, पहले मैच में उन्होंने 73 रन बनाए थे, आज उन्होंने नाकाबले शिकस्त जनाब 53-54 रन बनाए थे। जैसे ही मैच खत्म हुआ वहाँ से भागे, क्योंकि बाद में बड़ा ट्रैफिक हो जाता है और उसके बाद जब टीम उतरती है ना तो मीडिया को जाने से रोक लिया जाता है, तो हमने उसका फ़ायदा उठाते जब हम घर पहुँचे। लेकिन बहरहाल रस्ते में ट्रैफिक तो मौजूद थी, आज वीकेंड है हम, लेकिन बहरहाल मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ी आसानी के साथ नसीम शाह और एहसान अली ने ये मैच जिताया और खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी है वो रिपोर्ट मैं कल आपको देना भूल गया था कि पाकिस्तान की टीम जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में गई थी उसको जनाब सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और एजाज़ अहमद जो पाकिस्तान टीम के साबिक पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, लेकिन बड़ी बुरी परफॉर्मेंस, पिछले साल भी पाकिस्तान हार गया था, एक बार फिर हार गया, एशिया कप में भी हार गया था। अब देखते हैं कि एजाज अहमद का क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि आवाज़ उठ रही है उनके कोचिंग के उस पर काफ़ी लंबे से ऐसे, लेकिन पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है वो कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने में कामयाब नहीं हुई है। मेरा ख्याल है बड़ा अफसोसनाक था कि कासिम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान टीम जो है ना क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। अपन आम अंदाज़ा लगाएं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें जो है ना सेमीफाइनल पर पहुंची हैं। आप अंदाज़ा लगा दें, हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसने अभी हाल ही में क्रिकेट सी हमसे सीखा, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम बहरहाल सेमीफाइनल में पहुंची थी ICC T20, लेकिन पाकिस्तान अंडर 19 50 ओवर्स का ये वर्ल्ड कप था, पिच में पाकिस्तान शिकस्त से बाहर। अब इसके बाद जो है ना बड़ा लगता है कि उनका मुस्तकबिल जो है ज़्यादा ताबनाक नहीं है एजाज अहमद का, क्योंकि जाहिर बात है कि टीम जो है मुसलसल उसकी जब शिकस्त होती है तो यही होता है। तो आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, हम आपको न्यूज़ व्यूज़ और अपडेट देते रहेंगे, इसको आप फॉलो करते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।